भाइयों और बहनों, वॉटर सिक्योरिटी एक ऐसा विषय है जो 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है। भारत को विकसित होना है तो बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के तरह ही वॉटर सिक्योरिटी से जुड़ी चुनौतियों को भी समाप्त करना ही होगा। डबल इंजन की सरकार सुविधा और संचय की सोच के साथ काम कर रही है। 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया, तब 99 ऐसी सिंचाई परियोजनाएं थी जो दशकों से लटकी हुई थी। आज इनमें से 50 के करीब योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। हमने पुरानी योजनाओं पर भी काम किया और जो संसाधन हमारे पास पहले से थे उनके विस्तार पर भी बल दिया। कर्नाटका में भी ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। नदियों को जोड़कर सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। नारायणपुरा लेफ्ट बैंक कैनल सिस्टम का विकास और विस्तार भी इसी नीति का हिस्सा है। अब जो नया सिस्टम बना है, जो नई तकनीक इसमें जोड़ी गई है, इससे 4.5 लाख हेक्टर भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी। अब कैनाल के आखिरी छोर तक भी पर्याप्त पानी पर्याप्त समय के लिए आ पाएगा। साथियों, आज देश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर, माइक्रो इरिगेशन पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। बीते 6-7 सालों में 70 लाख हेक्टर भूमि को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया गया है। कर्नाटका में भी इसको लेकर के बहुत अच्छा काम हुआ है। आज कर्नाटका में माइक्रो इरिगेशन से जुड़े जिन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उससे 5 लाख हेक्टर भूमि को लाभ होगा। डबल इंजन सरकार भूजल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी बड़े स्तर पर काम कर रही है। अटल भूजल योजना हो, अमृत सरोवर अभियान के तहत हर जिले में 75 तालाब बनाने की योजना हो, या फिर कर्नाटका सरकार की अपनी योजनाएं, इससे जल स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी।